अक्टूबर माह का वेतन नहीं मिलने से आक्रोशित नगर निगम के कर्मचारियों ने निगम मुख्यालय के समीप धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की। अतिशीघ्र वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने आंदोलन का विस्तार तेज करने की बात कही है। नगर निगम मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी करते ये हैं निगम के विभिन्न विभागों में पदस्थ कर्मचारी, जो अक्टूबर माह का वेतन नहीं मिलने से आक्रोशित हैं। इसके पूर्व वेतन को लेकर इन कर्मचारियों द्वारा महापौर नीरज पाल को वेतन दिलाने ज्ञापन सौंपा गया था। ज्ञापन सौंपने के 3 दिन बीतने के बाद भी वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों द्वारा दिन भर ड्यूटी कर शाम को मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया और मंगलवार को फिर से महापौर से मिलकर वेतन दिलाने मांग करने का निर्णय लिया गया। धरना प्रदर्शन की जानकारी कर्मचारी नेता संजय शर्मा ने दी। अक्टूबर पेड, नवंबर का पेड आटा बहुत पहले जा चुका था, 1 तारीख को पेमेंट देना था। प्रशासन को मालूम है, माननीय कमिश्नर साहब को भी मालूम है, लेखाधिकारी को मालूम है, सारे उच्च अधिकारी को, महापौर जी को मालूम है कि 1 तारीख को कर्मचारियों को पेमेंट जाता है, अधिकारी कर्मचारियों का, प्लेसमेंट के कर्मचारियों को जाता है और तमाम जो है हमारे से जो जुड़े हुए अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से उनको जाता है, सालों से होते आ रहा है, ये कोई छुपी बात नहीं है। और उसके लिए हमको बोलना पड़े क्या, कभी पगार के लिए किसी संस्था वाले को बोलना पड़ता है? फिर भी हम लोगों ने 7 तारीख तक गवर्नमेंट का नियम देखा, फिर हमने परामर्शदाती समिति में इस बात को उठाया, हालांकि अनऑफिशियली था लेकिन पगार का मैटर था, एजेंडा में नहीं था, फिर भी कमिश्नर साहब ने उसको बड़े संजीदगी से सुना और बोला मैं अपनी बात ऊपर पहुँचाऊँगा, और उन्होंने अकाउंट अफसर से और तमाम आला अफसर से पूछा भी। उसके बाद हम लोग शुक्रवार को जो है जा करके मिले महापौर जी से, लास्ट शुक्रवार को जो है मिले, वहाँ महापौर जी ने बोला मैं मंत्री जी से और कमिश्नर साहब से बोलूँगा, शायद कुछ फ्री होल्ड का पैसा रखा हुआ है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं उन लोग, तो वो हम उनके लिए अनुमति लेंगे, और हमारे पास अभी बहुत कम पैसा है, तनखे के लायक नहीं हो पा रहा है, तो हम लोगों ने शांत होकर हम लोग आ गए। चूँकि आज 3रा दिन सही मायने में देखा जाए तो फ्राइडे एक दिन, सैटरडे संडे छुट्टी पड़ गई, मंडे आज 2रा दिन है, कल MIC भी है, कल 3रा दिन भी है, तो यदि प्रशासन को देना होता तो यहाँ से गतिविधियाँ चालू हो जाती, मंगलवार को पेमेंट हो जाता, तो पेमेंट को लेकर के बड़ा हम लोग बड़े समस्याग्रस्त है। गरीब छोटे लोग हैं, क्लास 4 के लोग हैं जिनको पेमेंट नहीं हो पा रहा है, मतलब ये मान कर चलिए कि टेम्पो में आने जाने का, पेट्रोल का और खाने के लिए व्यापारी आज अनाज देने से ये कर दिया, मतलब भुखमरी की स्थिति आ गई है। महापौर जी ने आश्वासन दिया, अब हम लोग उसी के आश्वासन, हमारे जो दोनों दल के लोग जो हैं, स्वास्थ्य साथी कर्मचारी, महासंघ कर्मचारी, कांग्रेस के पदाधिकारी, हम लोगों ने 3 दिन के लिए, चूंकि आज कर्मचारी बहुत पूछ रहे थे, इसीलिए हमने आज गेट मीटिंग 5:30 के बाद रखा है समय, कि भाई हम एक बार में सबको अवगत करा देंगे कि कल भी आपको 4 बजे 4:30 बजे महापौर चैम्बर के सामने इकट्ठा होना, MIC होगी, उस MIC में हम वहाँ के जो महापौर जी से, कमिश्नर से और सारे हम MIC के मेंबरों से पूछेंगे, सर हमारा वेतन का क्या हुआ, अगला कदम क्या होगा। अगला कदम जो भी यूनियन के जो पदाधिकारी है, दोनों संघों के जो पदाधिकारी है और जो हमारे कर्मचारी लोग जो पदाधिकारी है वो बैठेंगे तो निर्णय होगा, यूनियन का जैसा भी रहेगा पदाधिकारी, काम बंद भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अब आपको मालूम है क्या क्या स्टेप हो सकता है, लेकिन हम लोग शांत प्रिय लोग हैं, हम चाहते हैं जो संस्था हमको धन दे रही है हम उसके साथ में कभी भी ये ना करें, और हम बिल्कुल शांत प्रिय लोग हैं, और हम लोग अनुशासन का दिन भर काम करने के बाद आज इकट्ठे हुए हैं, कल भी हम लोग दिन भर काम करने के बाद MIC के सामने हम जाएंगे, हम अपनी जो हमारे आला अफसर हैं उनसे हम बात रखेंगे, कमिश्नर के सामने और हमारे महापौर जी के सामने। बहरहाल वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों के समक्ष आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। अतिशीघ्र वेतन नहीं मिलने पर इन्होंने आंदोलन का विस्तार करने की बातें कही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।